हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो टर्मक्स में आपको एरर आता है, प्रोसेस कंप्लीटेड सिग्नल लाइन एरर, तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हो, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसे आपको करने के लिए आपके फ़ोन में ADB कमांड्स को रन करना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर PC की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ़ोन का यूज़ करेंगे ADB कमांड्स को रन करने के लिए। तो वो कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देख लेना है। और सबसे पहले ADB कमांड्स को आपको अपने फ़ोन में रन करने के लिए सेटअप करना होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो दो एप्लीकेशन है मेरे पास, सिजुकू एंड एशियल एप्लीकेशन। इसका यूज़ करके हम अपने फ़ोन में ADB कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। यूट्यूब पर जाना है, महेश टेक्निकल सर्च करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रन ADB कमांड्स ऑन एंड्रॉयड विदाउट रूट। तो आपको ये वाली वीडियो पहले देखनी है, क्योंकि हम एशियल एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे अपने टर्मक्स के एरर को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखिए शिजुको ऐप में मैंने एशियल एप्लीकेशन को सेटअप किया हुआ है। तो ये क्या है ये आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हम एशियल एप्लीकेशन का यूज़ करके ADB कमांड्स को डायरेक्टली अपने फ़ोन में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन में डायरेक्टली हम चला सकते हैं ADB कमांड्स को, वरना आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखकर कर लीजिए, उसके बाद अगर आपने वो कर लिया है तो आपको सिंपल गूगल पे महेश टेक्निकल्स को सर्च करना है और mahesh-technicals.com की वेबसाइट आपको आ जाएगी। सिंपल इसी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सबसे पहला ये आर्टिकल मिल जाएगा फिक्स टर्मक्स एरर का। तो अगर आपको ये आर्टिकल नहीं मिलता है, सिंपल यहाँ पर सर्च बार भी आपको दिखाई देता है, सिंपल यहाँ पर आप टर्मक्स लिख कर सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल आप यहाँ पर देखिए टर्मक्स के रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हैं, तो इसी आर्टिकल को हम सिंपल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मेनली 3 कमांड्स डालने हैं और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है टर्मक्स का, वो एंड्रॉयड 12 और 12 प्लस जितना भी हैं, 12, 13, 14, 15 जो भी आएंगे वहाँ पर आएगा ये प्रॉब्लम, उनके नीचे वालों में नहीं आएगा। क्योंकि टर्मक्स के गूगल ने जो है अपने सॉफ्टवेयर में एक प्रोसेस फैंटम प्रोसेस का जो है ऑप्शन को एनेबल कर दिया है, तो वो बैकग्राउंड में टर्मक्स को डिसेबल कर देता है। तो वो क्या है फैंटम प्रोसेस, वो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिया है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट हमें लेना देना है उस फैंटम प्रोसेस को किल करने से। ठीक है, उसे हम डिसेबल कर देंगे तो हमारा टर्मक्स में कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए कमांड्स आपको मिलेंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 5 कमांड है टोटल। तो यह पाँचों का पाँचों आपको एग्जीक्यूट करना है और आपका फैंटम प्रोसेस जो है वो किल हो जाएगा और आप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ उस कमांड को। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। तो चलिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, जस्ट आपको कॉपी और पेस्ट करके डालते जाना है और आपका फैंटम प्रोसेस किलर जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो उतना होने के बाद आपका जो टर्मक्स का एरर है वो फिक्स हो जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं डालता हूँ सेकेंड कमांड, तो इस तरीके से आ गया, और थर्ड कमांड डालते ही वो डिसेबल हो जाएगा। और बाकी के जो 2 कमांड्स है वो आपको चेक करके बताएंगे कि आपका फैंटम प्रोसेस किलर जो है डिसेबल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर पूरा कमांड कॉपी करना है, स्लैश भी लेना है गाइज, अगर आप स्लैश मिस कर दोगे तो कमांड काम नहीं करेगा, इसलिए प्रॉपर कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना है और एंटर करना है। देखिए थर्ड कमांड डालते ही आपके सामने इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपका थर्ड टक कमांड डालते ही आपका डिसेबल हो चुका है फैंटम प्रोसेस किलर, तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पर नीचे मैंने 2 कमांड्स और दिए हैं, तो उसे भी हम 1 by 1 डालेंगे और चेक करेंगे। तो हम फर्स्ट कमांड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट कमांड डालना है। तो लास्ट कमांड डालते ही जैसा मेरे में आपको वैल्यूज़ दिखाई देंगी नीचे की तरफ, वैसे अगर आप में भी दिखाई देती है, इसका मतलब फैंटम प्रोसेस किलर जो है डिसेबल हो चुका है, अब आपका टर्मक्स में कोई एरर नहीं आएगा। चलिए दिखाता हूँ, लास्ट कमांड डालता हूँ मैं यहाँ पर और एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके के नंबर्स दिखाई देने चाहिए। अगर आप पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको फैंटम प्रोसेस किलर जो है डिसेबल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए,
ओके। रिस्टार्ट करने के बाद आप अपने टर्मक्स का यूज़ करना शुरू कीजिए। आप उसमें कालीनेक्स वगैरह यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग कालीनेक्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बट ये यहाँ पर ये मैंने प्रॉब्लम जो फिक्स कर दी है। बस फ़ोन को आपको रिस्टार्ट कर देना है, ओके, इतना करने के बाद। और ADB कमांड्स कैसे सेटअप मैंने किए थे उसके लिए आपको पिछली वीडियो देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।